गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम अर्चना, क्लास यू के जी, सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी वर्कशीट। बच्चों, आज हम आप लोग क्या करेंगे, हिंदी वर्कशीट फिल करेंगे और पेज नंबर 31। और कैसे करना है आओ बताते हैं, देखते हैं। समान ध्वनि वाले शब्दों को रेखा खींचकर एक दूसरे से मिलाएं। क्या करना है बच्चों इसमें, समान ध्वनि वाले शब्दों को रेखा खींचकर एक दूसरे से मिलाएं। तो आइए, समान देखो इधर है ना, इससे मिलते जुलते शब्द, समान मतलब एक समान शब्द। जैसे देखो इसमें काजल दिया हुआ है, तो इसमें मिलते जुलते शब्द देखो क्या है, ये बादल, इसमें भी दल दिया हुआ है और इसमें भी ल, तो इसलिए काजल को मैच करोगे बादल से। इस तरह समान रेखा खींचकर मिलाना है, ओके। अब ये देखो क्या है, दाना, दाना है, तो जिसमें ना हो वो वाला शब्द लाओ। देखो क्या है, बकरी, चाल, मित्र, ना ये है, तो क्या है, दाना को नाना से मिलाओगे। कैसे मैच करोगे, दाना नाना, ओके। अब ये क्या है, धनिया, अब देखो या कहाँ है, धनिया, ये देखो क्या है, बनिया, तो धनिया को मैच करोगे बनिया से, ओके। और क्या करोगे बच्चों आप लोग, क्या है, पानी, अब पानी को किससे मैच करोगे, रानी से, पानी रानी, ओके। अब ये क्या है, चित्र, चित्र को किससे मैच करोगे, मित्र, मिलते जुलते हैं ना, यहाँ मित्र है यहाँ मित्र, तो चित्र मित्र एक जैसा वर्ड है ना, इसी को बोलते हैं समान ध्वनि वाले शब्द। अब देखो क्या है, बकरी, चकरी, एक ही जैसा लग रहा है ना सुनने में, इसी को बोलते हैं समान ध्वनि वाले शब्द, बकरी को चकरी से मैच करोगे, ओके। दाल को किससे मैच करोगे, चाल से, क्योंकि इसमें भी ल है और इसमें भी ल है, दाल और चाल हो गया। ये क्या है, खीर और तीर हो गया, ओके, सारा मैच हो गया बच्चों। इस तरह अपने अपने वर्कशीट पे तुम लोग मैच करो, उसके बाद इसको कॉपी में भी लिख के इसी तरह मैच करना है, ओके, थैंक यू। कॉपी में भी करना इस तरह।